सूत्रधार में सुनते हैं पंचतंत्र की कहानी। देखे किस तरह एक गीदड़ गधे से कह रहा था, मामा मैंने तुम्हें गीत गाने से कितना रोका, किंतु तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब गले में पड़ी इस ओखली को ढोते हुए तो तुम्हें अपने किए पर पछतावा हो रहा होगा। सूत्रधार पर सुनते हैं पंचतंत्र कथा मूर्ख गधा और गीदड़। किसी स्थान में उद्धत नामक एक गधा रहता था। धोबी उसे सारे दिन काम करवाया करता था और रात में खुला छोड़ दिया करता था। वो गधा रात भर घूम फिर कर सवेरे अपने आप धोबी के घर पहुंच जाता था। रात में घूमते घूमते उस गधे की एक गीदड़ से दोस्ती हो गई। दोनों रात में ककड़ी खीरे आदि के खेतों में घुस जाते, जी भर खाते और सवेरा होने से पहले ही अपने ठिकाने पर लौट आते। चांदनी रात में एक बार खा पीकर मस्त हुए गधे ने जब कुछ गाने की इच्छा प्रकट की तो गीदड़ ने उसे समझाते हुए कहा, मामा हम यहाँ चोरी करने आए हैं, क्या चोरों को शोर मचाना चाहिए? फिर तुम्हारा स्वर भी तो कुछ मधुर नहीं है, फटे बांस जैसी तुम्हारी आवाज है। खेत के रखवाले तुम्हारी आवाज को सुनते ही लठ लेकर दौड़े आएंगे, अतः मेरी बात मानो, भूल कर भी ऐसी गलती मत करना। गधा बोला, लगता है कि तुझे संगीत की कोई जानकारी नहीं है, वरना तू मुझे गाने से कभी ना रोकता। अरे मूर्ख, शरद ऋतु की चांदनी रात में अपने प्रियजनों के सामने गाना गाने और सुनने का आनंद किन्हीं भाग्यशालियों को ही मिलता है। मैं तो गीत गाने का निश्चय कर चुका हूँ। गधे की बात सुनकर गीदड़ बोला, मामा तुम्हें गाना वाना नहीं आता और तुम्हारे गाने में कोई रस भी नहीं है, तुम तो केवल रेखते हो। इस पर नाराज होता हुआ गधा बोला, मैं संगीत विद्या में निपुण हूँ, तुम संगीत के महत्व को क्या जानो? गीदड़ ने कहा, मामा अगर तुमने पिटने की ही ठान रखी है तो 2 मिनट रुक जाओ, मुझे छिप जाने दो और फिर मजे से गाना। गीदड़ तुरंत झाड़ियों में छिप गया और गधा चीखने चिल्लाने लगा। खेत के रखवालों ने पहले तो डंडों से गधे की अच्छी खासी मरम्मत की और फिर उसके गले में एक ओखली लटका दी। दर्द से करहाते हुए वहां से चला गया कौन? गधा। सीख तो हमने कहानी में देखा कैसे गीदड़ के इतने समझाने पर भी गधे ने उसकी बात नहीं मानी और अपने मालिक की मिली छूट का गलत फायदा उठाने का परिणाम उसने देख लिया। इसीलिए कहा जाता है, अगर आपसे समझदार लोग आपको कुछ समझा रहे हो या कुछ बोल रहे हो तो उनका कहना मान लेना चाहिए।